इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन दोनों काफी चर्चा में है। इसी को देखते हुए सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ऑनिक्स कंपनी ने हाल ही में दो नए इलेक्ट्रिक मोपेड्स लॉन्च किए। इनका लुक काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक मोपेड्स दिखने में साइकिल जैसे हैं, लेकिन इनके फीचर्स दूसरी मोपेड और बाइक की तरह ही है। खैर, इनमें ऐसी क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं है, आज हम यही जानेंगे। कंपनी की माने तो यह दोनों इलेक्ट्रिक मोपेड्स CTY और RCR 70s और 80s के दशक का रेट्रो स्टाइल फॉलो करते हैं। वैसे दोनों मॉडल काफी अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं CTY मॉडल की। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी है जो फुल चार्ज होने पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 से 65 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वैसे रास्ते में आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो इसे आप साइकिल की तरह पेडल से भी चला सकते हैं। कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए LCD डिस्प्ले, हेडलाइट, USB 3.0 पोर्ट, ब्लूटूथ जैसे स्मार्ट फीचर दोनों ही गाड़ियों में दिए हैं। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी प्री ऑर्डर कीमत करीब 1,27,000 रुपीज है। अब बारी आती है कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे मॉडल की, जो RTR है। वायर व्हील्स, राउंड हेडलाइट से लेस इस मोपेड में 72 वोल्ट की बैटरी दी गई है जो फुल चार्ज पर 120 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। इसे 125 सीसी का बताया जा रहा है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह कहना गलत नहीं है कि इसे हाईवे के लिहाज से बनाया गया है। कीमत में यह CTY मॉडल से करीब 50,000 रुपए महंगी है। इसी तरह की और ऑटो अपडेट्स के लिए बने रहे newstracklive.com के साथ।